कन्नौज में डिवाइडर से टकराकर एक मर्सिडीज दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मंत्री नंदगोपाल के बेटे बहू घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडीवाई स्कूल राजा का ताल थाना टूंडला। फिरोजाबाद के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर थाना टूंडला में विजिट किया। सबसे पहले थाना प्रभारी के ऑफिस में जाकर उनसे बातचीत की। थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बच्चों का वेलकम करते हुए टॉफी चॉकलेट बांटी। बच्चों ने जाना कि पुलिस क्या क्या काम करती है, यदि कोई अपराधी है तो उसको किस तरह से सजा दिलाने में पुलिस का सहयोग रहता है। किच्छा में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर HATU उधम सिंह नगर ने किच्छा क्षेत्र में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उपस्थित लोगों को मानव तस्करी की रोकथाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। झांसी की मोट तहसील क्षेत्र के ग्राम बाबई में इन दिनों स्थानीय किसान बेहद परेशान है। किसानों ने मोट तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि गांव में एक अस्थायी गौशाला है, जिसमें ना तो गौवंशों के खाने की व्यवस्था है और ना ही पानी की, जिसकी वजह से छुट्टा गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर यूं ही उनकी फसलों को गौवंश बर्बाद करते रहे तो उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। हरदोई शहर के पौश इलाके में घर में घुसकर सीनियर अधिवक्ता को दो बदमाशों ने गोली मार दी। ये दोनों कोर्ट मैरिज कराने के बहाने घर में आए हुए थे। इसके बाद बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अधिवक्ता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे SP ने तीन टीमों का गठन कर घटना के खुलासे के निर्देश दिए हैं। यूपी के उन्नाव में बस हादसे में 17 लोगों की मौत के बाद CM योगी के निर्देश पर प्रदेश में डग्गामार वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना परमिट के महोबा से दिल्ली जा रही बसों की सूचना पर ARTU ने जिले की सीमा पर चेकिंग के दौरान दो बसों को पकड़ लिया। बसों के कागजात पूरे न होने पर ARTU ने दोनों डबल डेकर बसों को सीज कर खड़ा कर दिया है। ARTU की इस कार्रवाई से डग्गामार बस चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां दिल्ली में बेसमेंट में चल रही कोचिंग सेंटर की घटना के दौरान तीन छात्रों की मौत होने के बाद पूरे देश में छात्र आक्रोशित हैं, तो वहीं इस हादसे के बाद चंदौली जिले में भी विकास प्राधिकरण और प्रशासन अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अलीनगर स्थित एक कोचिंग सेंटर को सील करने का काम किया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जाँच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र के धमोर में दुकान का ताला तोड़कर कब्जेदारी को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में गोलीबारी हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा। बता दें इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। महाराजगंज में अवैध रूप से संचालित अस्पताल की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई। बता दें जिस अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था, उसमें महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जिसे रास्ते में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव परिसर में रखकर अस्पताल में हंगामा किया और अस्पताल संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। महाराजगंज में नवाज से लौट रहे बुजुर्ग के साथ कुछ युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। बुजुर्ग ने स्थानीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने रोककर लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो में माफी मांगते हुए नजर आए युवकों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। कन्नौज में हथियारबंद बदमाशों का सराफा के घर में धावो बोल दिया। चीखते हुए बदमाशों से सराफा का परिवार भिड़ा। एक बदमाश को सराफा के परिजनों ने छत से नीचे फेंक दिया। बदमाश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बदमाश नीचे गिरा तो बाकी दहशत में आकर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।